nothing. They're ready to surrender. आईएनए की बागी फौजियों पर अंग्रेज देशद्रोह का मुकदमा चलाएंगे। उन तीनों के बचने के चांसेस कम हैं। ये कोई आम केस नहीं, कोर्ट मार्शल है। बोला भाई, ये केस आप कांग्रेस के लिए नहीं, सुभाष बोस के लिए लड़ी। लेफ्टिनेंट गबक सिंह डिलन, कैप्टन शाह नवाज खान, कैप्टन पी के सेगर, सेक्शन 41, वेजिंग वॉर अगेंस्ट द किंग। You are charged with murder. Do you plead guilty to the charges read out? ईमानदारी से आजादी के लिए लड़ने वाली अगर कोई फौज है तो उसका नाम है आजाद हिंद फौज। The safety, honor and welfare of your country comes first, always. British Indian Army, hand you over to the Japanese Imperial Army. हिंदुस्तान और अंग्रेजों के बीच एक धागा था, वो टूट गया। इस बार कुछ ऊपर नीचे हुआ तो देश में बवाल मच जाए। अब जनता किसी अंग्रेज को नहीं छोड़ेगी। रात दिन अपने सीने विच वजदी आजादी दे राग नु बंद कर ला। अंग्रेजी अफसरों ने साड़ी हिफाजत नहीं की तो वो हमारी वफादारी के हकदार किस तरह हो सकते हैं? आज हिंदुस्तानी फौज के पास अपना असली मकसद है, हिंदुस्तान की आजादी। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये मुकदमा पूरी इंडियन नेशनल आर्मी का है, क्योंकि हमने वो दिन देखा है जब हमें ऐसा लगा था कि हमने हिंदुस्तान को वाकई आजाद कर दिया। देश की आजादी की लड़ाई कोर्ट में लड़ी जा रही है और इस वक्त पूरा देश एक साथ तैनात है। This trial and its judgment shall be remembered throughout history. बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत। नमस्कार, आदाब। शख्सियत में मैं समीना आप सबका स्वागत करती हूँ। अभी जिनकी मधुर आवाज़ का लुत्फ आपने लिया, उनके लिए ज़रूर कहना चाहूँगी कि संगीत उन्हें घुट्टी में मिला, लेकिन इसकी साधना में उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी। वो क्या खूब कहा है किसी ने कि फर्श आवाज़ पर रख अपने पुरस्रार कदम और चमकते हुए संगीत का जादू पी जा। शख्सियत में आज मुलाकात गायकी की दुनिया के रोशन सितारे विदुषी उमा गर्ग से। आवाज जिसमें है शहद सी मिठास, गायकी का एक अलग रंग। Yeah.
सुरीलापन और भावपूर्ण प्रस्तुतियाँ, रंग जिसमें ख्याल, ठुमरी, दादरा, भजन और लोक रंग का रंग सुनते ही बनता है। विदुषी उमा गर्ग। उमा गर्ग का जन्म लक्ष्मी प्रसाद दास और श्रीमती आशालता दास के यहाँ 18 मार्च 1950 को हुआ। बंगाली परिवार में जन्मी उमा को संगीत विरासत में मिला। गायन की शुरुआती तालीम अपने माता पिता से मिली। उमा ने बहुत छोटी उम्र में रियाज शुरू कर दिया और तभी उन्होंने पियानो बजाना भी सीखा। इसके बाद उमा गर्ग को एसडी आप्टे, पीपी जौहरी, दिल्ली घराने के उस्ताद नसीर अहमद खान, उस्ताद हफीज अहमद खान रामपुर सहसवान घराने और किराना घराने के पंडित मणि प्रसाद जी से सीखने का मौका मिला। इलाहाबाद में आपकी संगीत साधना को मिले नए आयाम। हाई स्कूल पास होने के बाद प्रयाग संगीत समिति में अपनी कला को निखारा। ऑल इंडिया रेडियो इलाहाबाद से करियर की शुरुआत हुई, जो दूरदर्शन के साथ साथ देश के विभिन्न चैनलों और विदेश में मंच प्रस्तुतियों के साथ आपकी एक अलग पहचान बनाती है। विश्वविद्यालय में संगीत विभाग से जुड़ी और वहां डीन के पद से रिटायर हुई। आपकी लिखी पुस्तक संगीत का सौंदर्य बोध फिल्म संगीत के संदर्भ में को 48वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति द्वारा विशेष सम्मान से सम्मानित किया गया। विदुषी उमा गर्ग शास्त्रीय गायन के साथ साथ उपशास्त्रीय गायन, गजल और सूफी गायकी की विधा से भी जुड़ी हुई है। उमा गर्ग ने जैन मुनि विद्यानंद महाराज के मार्गदर्शन में समय सार ग्रंथ को अपनी आवाज में पिरोया, जो प्राकृत भाषा में है। वादर पच्चत्ति दरा पय दियो नाम कमस। आप संगीत की कई संस्थाओं से जुड़ी हैं और अपनी सोसाइटी प्रवाह के जरिए युवा कलाकारों को तैयार कर मंच प्रदान कर रही है। विदुषी उमा गर्ग संगीत साधना में लीन शख्सियत है। आपको अपनी कला साधना के लिए कई नामी अवार्ड से नवाजा जा चुका है। स्वागत उमा जी प्रोग्राम शख्सियत में आपका। नमस्कार। बहुत अच्छा लग रहा है उमा जी आज आप हमारे बीच में हैं। इलाहाबाद से आप आती ही हैं और इलाहाबाद में ही आपका बचपन बीता, तो कुछ अपने बचपन का जिक्र, अपने माता पिता का जिक्र और संगीत की शिक्षा कैसे शुरू होती है? जी, इलाहाबाद में मेरी स्कूलिंग वहीं हुई और उससे पहले तो हम बिहार में थे, रामगढ़ से आए थे, बहुत छोटी सी थी मैं तो। और जब इलाहाबाद में मेरी माँ, जो माता जी मेरी, बहुत मैं उनको मानती हूँ कि वो बहुत अच्छी कलाकार थी। उनकी आवाज़ 3 सप्तक की आवाज़ थी, सिर्फ वो गाती ही नहीं थी, वो इजराज बजाया करती थी। और उन्होंने मुझे संगीत की शिक्षा बचपन से ही, 4-5 साल की उम्र से ही मैंने सीखना शुरू कर दिया था। और इलाहाबाद आने के बाद जब स्कूलिंग हुई तो वहाँ उसके साथ साथ वहाँ पर हमने शाम को प्रयाग संगीत समिति, उस जमाने में बहुत क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे अच्छे गुरु वहाँ होते थे, तो
तो वहाँ मैं जाती थी, शाम को वहाँ भी सीखती थी। वहाँ पर मुझे गुरु भी मिले, सदाशिव पंडित सदाशिव आप्टे जी। मेरी माँ के बाद अगर मैं किसी को सोचती हूँ तो वो थे जिन्होंने मुझे आवाज़ का लगाव बताया। उस वक्त मैं क्लास 6th 7th में पढ़ती थी, तब से बहुत कम उम्र से आप आकाशवाणी से जुड़ी ना? हाँ, मैं तब क्लास 8th 9th में थी, तब इलाहाबाद आकाशवाणी से मैंने अपना गायन कार्यक्रम शुरू किया था। अच्छा। उस समय मैंने सुगम संगीत का ऑडिशन दे दिया था। किसी ने मुझे कहा कि गीत भजन वगैरह अच्छा गाते हो, बंगला गीत भी मेरी माँ से सीखती थी, तो वो मैंने दे दिया और पास हो गई और गाने लगी तब से। जब पहला कंपटीशन जीता तो आपको फिर प्राइज नरगिस जी ने दिया जी, था। जी जी, क्या था वो? वो ऑल इंडिया कंपटीशन प्रयाग संगीत समिति का हुआ करता था, पूरे देश से बच्चे आते थे, और उस वक्त मैंने भी पार्टिसिपेट किया था, और 7 मिनट का टाइम था और गौर सारंग मैंने गाया, उसमें विलंबित छोटा ख्याल सब कुछ 7 मिनट के अंदर, और वो ऐसा था कि उस ऑल इंडिया कंपटीशन में मैं फर्स्ट आई, और उसी साल मैंने संगीत प्रभाकर भी कर लिया था। अच्छा। तो उसका प्राइज देने के लिए नरगिस आई, उस वक्त हम तो छोटे थे, हम इतना नहीं जानते थे, हमने देखा बहुत खूबसूरत सी और एक्ट्रेस हैं, वो आई थी, और हमें हमारे लिए बहुत एक्साइटमेंट था। किन खास गुरुओं का आप जिक्र करना चाहेंगी जिनका आपको सानिध्य मिला? और मैंने सुना कि पंडित मणि प्रसाद जी ने आपको बाकायदा कहा कि अगर तुमको ये शास्त्रीय संगीत सीखना है तो तुम्हें सुगम संगीत छोड़ना होगा। एक्चुअली क्या है, शुरू से ही संगीत सीखती रही, कभी ये नहीं सोचा कि ये क्लासिकल है ये लाइट है। मेरी माता जी ने पहला राग जो राग यमन सिखाया, और 5 साल की उम्र में मैंने जब स्टेज में प्रोग्राम किया तो राग यमन अरे एरे आली पिया बिना वो मैंने गाया, और उसके साथ साथ मैं लाइट म्यूजिक जैसे गीत है, बंगला आधुनिक गीत है, भजन है, ये भी सीखती रही गाती रही। तो ऐसे करते करते जब इलाहाबाद में आई वो भी क्लासिकल शास्त्रीय संगीत की शिक्षा चलती रही, पर साथ में मैं ये भी गाती रही, तो दोनों चीज़ गाते गाते अचानक से क्या होता है कि लोग उसी चीज़ को ज़्यादा पसंद करने लग जाते हैं जो आम जनता है, जो सरल होता है। तो ऐसे ही हुआ, वहाँ से फिर हम मेरठ गए, मेरठ के बाद दिल्ली आई शादी के बाद, तो यहाँ जब मैंने आकाशवाणी से गाना शुरू किया तब लाइट म्यूज़िक ही था, क्लासिकल का ऑडिशन दिया नहीं था उस वक्त, 75 की बात है। तो वही जितने भी अच्छे कंपोज़र्स थे उस ज़माने के, उन्होंने सब ने मुझे अपने कंपोजिशंस गवाए कि इसको इसी से गवाना है, उनको आवाज़ अच्छी लगी तो गाया, मैंने गाती चली गई, तो वो पॉपुलर हो गया, पॉपुलर हुआ तो आकाशवाणी कंसर्ट्स होने लगे, मैं उसमें इतनी बिजी हो गई। लेकिन मन में कहीं था कि मैं जब बचपन में मेरे पिताजी रेडियो लगाते थे तो कभी भी कोई फिल्मी सॉन्ग्स का नहीं बजता था हमारे घर में, उस ज़माने में पन्ना लाल घोष और हीराबाई बड़ोदकर का गाना, तो वो सुनती थी तो मुझे लगता था मैं ऐसे ही सिंगर बनूंगी हीराबाई जैसी। तो मन में था कि मैं सीखूं और सीखूं और सीखूं। मैं जब दिल्ली आई तो सबसे पहले मैं दिल्ली घराने के उस्ताद नसीर अहमद खान जी के पास मैं पहली बार गई, मुझे ले गए वहाँ पर उनसे सिखाने के लिए, लेकिन वो सीखना मेरा कंटिन्यू नहीं हो पाया क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, ठीक नहीं रही। फिर सोचते सोचते फिर उस्ताद हफीज़ अहमद खान जो रामपुर सहसवान घराने के उस्ताद थे उनके पास मैं गई, तो उन्होंने भी सिखाया, पर थोड़े दिन बाद वो विदेश चले गए। तो इस तरह से, और साथ में मेरे लाइट म्यूज़िक के प्रोग्राम्स बहुत होते थे, तो मैं एक लाइट म्यूज़िक के आर्टिस्ट के रूप में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई। तो फिर एक दिन गुरुजी पंडित मणि प्रसाद जी से मुलाकात हुई और उनसे मैंने अनुरोध किया, तो उन्होंने कहा कि तुम तो इतना अच्छा लाइट म्यूज़िक गाती हो। मैंने कहा मैं गाती हूँ पर मैं सीखना चाहती हूँ, मैं शास्त्रीय संगीत
करना चाहती हूँ। तो फिर उन्होंने सिखाना शुरू किया, तो उस वक़्त उन्होंने कहा तुम अगर रोज़ रोज़ ऐसे प्रोग्राम्स में जाती रहोगी और गज़लें गाती रहोगी तो ये जो अदायगी है, जो शास्त्रीय संगीत का आवाज़ लगाओ, वो तुम कहाँ से कर पाओगी, तुम्हें वो छोड़ना पड़ेगा। जब उन्होंने कहा तो मैंने कहा मैं छोड़ दूँगी और मैं यही करना चाहती हूँ, यही करूँगी। उसको करने के बाद बहुत सी बातें सामने साफ होती दिखाई दी, पर जब मैंने गाना शुरू किया और स्टेज प्रोग्राम किया तो कई ऐसे बड़े विद्वान और उस्ताद लोगों ने कहा, जब पहला मेरा कुंभा फेस्टिवल उदयपुर में, मैंने 92 में प्रोग्राम था मेरा, जब मैंने वहाँ गाया, वहाँ मेरा नाम देख के बहुत से लोगों ने सोचा ये कैसे यहाँ क्लासिकल शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में इसका नाम क्यों है, सवाल उठने शुरू हुए कि इसने गा सकते हैं अगर रियाज किया जाए और बाकायदा सही गुरु मिल जाए तो। और मैं पंडित जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ, उनका एहसान मेरे ऊपर, उनके आशीर्वाद है कि मैं किस तरह से उन्होंने भी जी जान लगा के सिखाया और मैंने सीखा, बहुत त्याग तपस्या करना पड़ा वो किया और उसका फल मुझे मिला। उमा जी, कुछ आपके अपने हैं जिन्होंने आपके आज तक के सफ़र को देखा है, मैं चाहूँगी आप उन्हें ज़रूर देखें और फिर अपनी राय दें। आइए देखिए। उमा गर्ग मेरी शागिर्द है, मेरी शिष्य है, उसमें गुरु की भक्ति बहुत है, गुरु की सेवा बहुत है और एक अच्छी बात है कि उसको रियाज का बहुत शौक है, 7-8 घंटे रोजाना रियाज करती है और बहुत अच्छा वो गा रही है। मेरी तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद है, ऐसे ही रियाज करती रहें, सीखती रहें और अपने संगीत को आगे बढ़ाती रहें, मेरी तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद है। उमा जी को मैं कई वर्षों से जानती हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में अभी वो डीन के पद से रिटायर हुई हैं और अपने कार्य में लगी हुई हैं, प्रोग्राम करती हैं। उनमें एक बात मुझे जो एक नज़र आती, अच्छी नज़र आती, वो शास्त्रीय संगीत, जब शास्त्रीय गायन उनका होता, पूरा शास्त्रीय होता है, लाइट क्लासिकल, उसको अपनी आवाज़ को ऐसे डाल देती हैं कि वो लाइट क्लासिकल में भी बहुत अच्छी तरह से आता है और फिर जब लाइट म्यूज़िक गाती हैं तब भी, तो उन्होंने अपनी आवाज़ को अपने रियाज कर कर के और उस फॉर्म को अच्छी तरह से समझ करके उन्होंने बड़े एक सुंदर एक पूरा उसको एक ढांचा दे दिया है। मैं उमा जी को बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, बस वो इसी प्रकार अपने संगीत को संवारती रहे, चलती रहे और संगीत की सेवा करती रहे। विदुषी उमा गर्ग को अनेक वर्षों से जानता हूँ, शास्त्रीय संगीत के साथ साथ ये सुगम संगीत भी बहुत सहजता से और दक्षता से गाती हैं। मेरी बहुत शुभकामना है भगवान से, यही प्रार्थना है कि उनकी दीर्घायु हो और संगीत के साथ मन अंतर मन से आखिर तक जुड़ी रहें और संगीत में और ऊंचाइयां प्राप्त करें। क्या बात है, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये क्या कहूँ, इन लोगों का आशीर्वाद है मेरे साथ, बड़े लोगों का, और मुझे तो लगता ही नहीं कि मैं कुछ ये जीवन में इतने साल मैंने संगीत में ही बिताए हैं, मुझे कुछ लगता नहीं कि मैंने कुछ अलग से कुछ किया है, सिर्फ संगीत ही मेरा जीवन है। इसमें कैसे क्या होता चला गया, ये सब गुरुओं का आशीर्वाद है, माता पिता का आशीर्वाद है, ईश्वर की कृपा है। मुझे ये बताइए उमा जी कि आपकी ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आए, कई बार विरोध का सामना भी करना पड़ा, कुछ उस वक्त का ज़िक्र अगर आप करना चाहें तो। हाँ देखिए, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव किसके नहीं आते, सभी के जीवन में कुछ ना कुछ उतार भी है, चढ़ाव भी है। तो ऐसा ही कुछ कहिए कि एक हादसा ही मैं कहूँगी, हादसा हो जाते हैं ज़िंदगी में, ऐसे ही हादसा मेरे साथ भी 20-22 साल पहले हुआ था। एक ज़िंदगी का जो एक्सपीरियंस, जो अनुभव हुआ, उससे पहले तक मैं सोचती थी जैसे ये हथेली है, इसका यही साइड है, इसका दूसरा साइड है, ये मैंने कभी सोचा ही नहीं कभी मेरी ज़िंदगी में ऐसा। मैं बहुत खुश मिजाज और बहुत
ज़ोर से हंसती थी। लोग कहते थे, फ़ोन पे भी अगर मेरी हंसी सुन लेते थे तो कहते थे, अरे आज का दिन हमारा बहुत अच्छा हो जाएगा। और उस तरफ को जब देखा मैंने तो ज़िंदगी का एक अलग अनुभव हुआ, और अच्छा ही हुआ कि मुझे दोनों चीज़ों का अनुभव हुआ। बेटी की परवरिश आपने बहुत अच्छी की। हाँ, उस वक्त मैंने यही सोचा कि प्रायोरिटी में मैंने अपने करियर और ये चीज़ को अलग करके सिर्फ उसके करियर, उसका जीवन कभी कुछ असर ना हो, उसी तरफ ध्यान दिया। और उसके लिए मैंने सारे सेक्रीफाइस, और साथ साथ संगीत भी चलता रहा। हाँ हाँ। संगीत और बेटी, ये दो ही चीज़ मेरे साथ रहे हैं तब से लेकर आज तक। उमा जी, अब थोड़ा सा वक्त हो गया आपकी एक आवाज़ का और एक जादू हमारी ऑडियंस के लिए हो जाए। एक झुमरी है, थोड़ा सा बोल सुना। बिल्कुल। देखे बिना बेचैन सुरतियाँ हो, देखे बिना बेचैन रात नहीं बंदिश। बहुत ही सुंदर। उमा जी, आपके कुछ और अपने हैं जिन्होंने अपनी राय दी आपके आज तक के सफर पर, आइए देखते हैं उनका क्या कहना रहा। आइए। प्रोफेसर उमा गर्ग, मेरी बड़ी दीदी, मुझे बचपन याद आ जाता है जब मैं सरस्वती शिशु मंदिर मेरठ में पढ़ने जाता था और आप वहाँ अध्यापक थी। मैं आपके साथ जाता था रोज सुबह और आप ही के साथ वापिस आता था। आप को देख के मैं बड़ा हुआ, आपने मेरी हर चीज़ को समझी बचपन से लेके आज तक, और हमेशा याद करता हूँ आपको, और हर कठिनाई के वक्त आपको याद करता हूँ कि आपने कितनी श्रद्धा और कितनी मेहनत के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाया है। कितने सारे लोग आपसे प्रेरणा लिए हैं, बहुत ही सराहनीय है। और आपने माताजी पिताजी का, स्पेशली माँ का नाम जो आपने इतना रोशन किया है, माँ से आपने इनिशियल शिक्षा ली और आपने हमेशा उनको गर्व से हर स्टेज में हर जगह आपने उनको याद किया है, ये एक बहुत ही सराहनीय चीज़ है और हमें और तमाम लोगों को ये सीखने वाली चीज़ है। मुझे आज ये मौका मिला, मैं बहुत ही खुश हूँ और बहुत ही मतलब गर्व मुझे महसूस हो रहा है कि मैं आपके बारे में दो शब्द बोल पाया। दीदी नमस्कार। बचपन से आज तक भी हम साथ हैं। जब मैं छोटी सी थी, स्कूल में पढ़ती थी, तब से मैं आपके साथ हूँ। आप तब एमए में पढ़ती थी और हमारे घर के सामने से रोज़ जाती थी और बहुत अच्छी लगती थी मुझे। तब भी मैं आपकी फ़ैन थी, आज भी हूँ। और आपको शायद याद है, हम लोग एक बार चंडीगढ़ गए थे, आपका एक बहुत ही सुंदर यादगार प्रोग्राम हुआ था चंडीगढ़ में, मैं आपके साथ गई थी। वो मेरे लिए आज भी बहुत सुंदर स्मृति के रूप में मेरे हृदय में अंकित है। तो आप एक प्रतिष्ठित गायिका हैं हमारे देश की, हमें आप पर गर्व है, और आप जीवन में ऐसी ही उन्नति करती रहे, आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा बना रहे, मैं यही भगवान से प्रार्थना करती हूँ। क्या कहना चाहिए? ये बहुत छोटी थी उस वक्त, नर्सरी में पढ़ती थी और मैं एमए कर रही थी, और देखिए तब से ये मुझे इतना मानती है, इतना प्यार करती है। छोटा भाई है, सबसे छोटा, बहुत ब्रिलियंट है, मैथमेटिक्स का प्रोफेसर था और आजकल दिल्ली यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार के पोस्ट पे अपॉइंट हुए हैं, दो साल से यहाँ पर हैं। तो हर वक्त वो
जो है मुझे मेरे पास ही रहना, मेरे साथ जाना, मुझे कहीं भी जाना, कुछ करना मेरे साथ ही। तो इन लोगों का बहुत प्यार स्नेह रहा है। हाँ। उमा जी, आप काफ़ी सेमिनार्स और गवर्नमेंट बॉडीज़ के साथ भी जुड़ी रही हैं, और संगीत के क्षेत्र में या संगीत को बढ़ावा देने के लिए जिन अकादमियों की स्थापना हुई, उनकी कार्यप्रणाली क्या आपको संतुष्टि का भाव देती है? जो बॉडीज़ हैं जो संगीत पर केवल रिलेटेड हैं, जैसे गवर्नमेंट की संगीत नाटक अकादमी है, साहित्य कला परिषद है, दिल्ली में तो ये है, इसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ हैं, खैरागढ़ यूनिवर्सिटी में और लखनऊ में है, जो सिर्फ संगीत के विद्यालय हैं, संगीत पर ही काम कर रही हैं, पहले से काफ़ी जागरूक हो गए हैं और भी अच्छा काम कर रहे हैं। पर मैं सोचती हूँ कि और ज़्यादा अगर इस पर ध्यान दें, जैसे कि खुद इन्होंने कमिटीज़ बना दी है, वो कमिटीज़ जो भी तय करती है वही आगे होता है। अब कमिटीज़ में कौन है, क्या है, किसको लिया जा रहा है, किसको नहीं लिया जा रहा है, इस पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। सोसाइटी भी आपने फॉर्म की? हाँ जी, मैंने 2011 में एक सोसाइटी, मेरे मन में बहुत पहले से ही इच्छा थी कि मैं इस संगीत के लिए, संगीत के बच्चों के लिए, जो टैलेंट्स हैं उनके लिए मैं कुछ कर सकूं। एक्चुअली हम लोग जब जिस ज़माने में बड़े हुए, आकाशवाणी ने बहुत हमारा, हमें सपोर्ट किया। एक तरह से मैं तो यही कहती हूँ कि मैं आकाशवाणी प्रोडक्ट ही हूँ, इतना प्रोग्राम हुआ करते थे। पर वो चीज़ें बंद हो गई, अब उतनी ज़्यादा नहीं होती है। तो जो टैलेंटेड हैं उनको, उनके लिए मैंने सोचा कि मैं कुछ करूँ। तो आपने अच्छे वेल विशर्स से बात की और सबने कहा कि बहुत अच्छा है, तो मैंने प्रवाह म्यूज़िक सोसाइटी के नाम से 2011 में स्थापित हुई वो सोसाइटी, और लगातार उस पर मैं काम करती हूँ। उसमें बड़े अच्छे एस्टेब्लिश्ड कलाकारों को भी मैं प्रोग्राम्स में रखती हूँ, इसके साथ साथ एक दो टैलेंटेड बच्चों का मैं उसमें ज़रूर रखती हूँ, जिनको मंच मिले। आप देती हैं? हाँ, कोशिश है कि इसके लिए, संगीत के लिए सेवा कर सकूँ। आपकी किताब के बारे में हम ज़रूर जानना चाहेंगे। हाँ, एक किताब, एक्चुअली फिल्म म्यूज़िक पर मेरी पहली किताब आई थी, वो मेरा पीएचडी का टॉपिक भी था। फिल्म म्यूज़िक जो चित्रपट संगीत है, हिंदी में कहेंगे उसको सौंदर्य बोध, एस्थेटिक ऑफ फिल्म म्यूज़िक, ये टॉपिक क्यों, कहाँ से फिल्म म्यूज़िक क्यों आ गया, इसकी जड़ मैं बचपन में एक वाक्या ज़रूर बताना चाहूँगी। जब छोटे छोटे थे तो हमारे घर में फिल्म की बात, फिल्म म्यूज़िक कोई करे या फिल्म में एक्टिंग करे, ये सब पसंद नहीं किया जाता था। फिल्म देखने कभी कभार ले जाते थे, तो फिल्मी गाने इतने पॉपुलर, लता जी की मैं बहुत फ़ैन रही हूँ और आज भी हूँ, उनके गाने मैंने बहुत कॉपी किए। और मगर जब घर में मना होता था या किसी शास्त्रीय संगीत के उस्ताद या पंडित जी लोगों के बीच में, गुरु लोगों के बीच में बैठते थे, तो ऐसा मुझे लगता था कि जैसे कि कोई बहुत छोटा चीज़ है, बहुत हे चीज़ है फिल्म म्यूज़िक इस तरह की, तो उसको नहीं करना चाहिए। तो ये बचपन से मेरे मन में था कि क्यों, एक क्यों था प्रश्न। तो वही चीज़ जब मैं बड़ी हुई और जब मुझे ये मौका मिला कि मैं कोई टॉपिक दूं, तो मैंने ये टॉपिक ले लिया। फिर उसी को मैंने किताब फॉर्म में लाया। हाँ, 2000 में वो पब्लिश हुआ, 2000 में, और 2001 में एक ऐसे आया था कि फिल्म के ऊपर अवार्ड दिया जा रहा है, और राष्ट्रपति उस वक़्त नारायण के, नारायण जी उन्होंने आपको उनके हाथों मुझे फिल्म फेस्टिवल अवार्ड के टाइम पे। चलते चलते उमा जी, आपकी पसंद का एक गीत हम ज़रूर सुन लें जो आपको बहुत पसंद रहा हो कभी और आपने ज़रूर गुनगुनाया हो। मैं कोशिश करती हूँ, लता जी का गाना। अगर मुझे से मोहब्बत है, मुझे सब अपने गम दे दो, हर एक आंसू मुझे मेरी पसंद दे दो, अगर मुझसे
उमा जी आज आप शख्सियत में तशरीफ लाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, बहुत शुक्रिया आपका। तो शख्सियत में आज फिलहाल इतना ही, ऐसे ही ताबिंदा सितारों का सिलसिला शख्सियत में जारी रहेगा। इजाज़त दीजिए, नमस्कार, आदाब।